नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि फेस टू फेस में हमारे साथ हर बार कोई ना कोई नई हस्ती होती है। इस बार हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मियां अल्ताफ साहब, जो कि हमारी रियासत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कमान को संभाले हुए हैं, और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने रियासत में डेवलपमेंट की है और क्या नए नए प्रोजेक्ट्स लाए हैं जिससे हमारी रियासत का सुधार हो सके। जी अल्ताफ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। अल्ताफ साहब, आप 4 बार MLA रहे और तीसरी बार आप मिनिस्टर हैं, एक बहुत बड़ा तजुर्बा है आपको पॉलिटिकल अदारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आप फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे जी और किस तरीके की आपने डेवलपमेंट्स जो हैं अपनी रियासत में लाई और क्या नई नई पॉलिसीज लाई जिससे हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का सुधार हो सके। देखें, जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ख़ास तौर पे अगर कश्मीर वैली की बात करेंगे आप, तो वो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी और कश्मीर की जहाँ चरागाहें खूबसूरत हैं, उसके दरिया खूबसूरत हैं, उसकी लेक्स खूबसूरत हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट ना हो तो उसकी ये खूबसूरती फिर उतनी नहीं गिनी जाएगी जितनी इस इस समय जगह है। इस समय है और इन जंगलात की वजह से है। जी बिल्कुल। तो कश्मीर जैसी रियासत में, जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में फॉरेस्ट का बचना, एनवायरनमेंट का बचना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। जी क्योंकि आप देखते हैं कि जो पत्नी टॉप आप देख लें, बनी बसोली का एरिया देख लें पूरा, फिर आप कश्मीर वैली को ले लें, जो तो ये मुगल रोड वो है उसी को मुगल ले। रोड को देख लें, जो देवदार का, कायर का, फर का दरख्त यहाँ पे है, वो हिमाचल के बग़ैर आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं कहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा या एक दो जगहों में मिलेगा। जी तो इसकी बिल्कुल। एक अपनी मनफरद किस्म की खूबसूरती है, पायदारी भी है, खूबसूरती भी है। फॉरेस्ट में जब मैं मिनिस्टर बना था तो ये महकमा काफ़ी बदनाम था उस वक्त, कई लिहाज से कुंडल कमेटी बनी थी और यहाँ पे बड़ी हेरा फेरी की जा रही हेरा है। जा रही थी और असेंबली में भी बड़ा शोर हुआ था। सबसे बड़ा जो चैलेंज उस वक्त था वो इंक्रोचमेंट के हवाले से था और स्मगलिंग के हवाले से। जी कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग थी फॉरेस्ट में काफ़ी, क्योंकि ये तो एक ग्रीन गोल्ड है, इसका पैसा फटाफट मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो ये शुपियां का एरिया हो, बड़गाम का, पीर पंचाल जिसे हम कहते हैं, गांदरबल का एरिया हो, रफियाबाद का, यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहा था महकमे का। पिछले 4 साल में पूरी कोशिश की है और उसके अब अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर इस वक्त आप इन इलाकों में जाएंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये शिकायत करेगा कि आप जंगल की लकड़ी की स्मगलिंग होती है, स्मगलर्स हैं या कुछ है। उस पर काफ़ी हद तक जितना पॉसिबल हो सकता था सुधार लाया उतना गया। उसमें कंट्रोल किया और वो ग्राउंड पे भी है। जी इसी तरह इंक्रोचमेंट्स नहीं होने दी, इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट के एरिया में काफ़ी हुई हैं, और ख़ास तौर पे आपका अगर जम्मू का डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, यहाँ बड़ी इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट की लैंड पे हुई है, ज़मीनें हैं नहीं हैं, रातों रात रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं। तो कश्मीर में भी हुई हैं, हर जगह हुई हैं इंक्रोचमेंटें, लेकिन 2009 के बाद ये पूरी तरह से कोशिश की गई है कि फर्दर इंक्रोचमेंट ना हो। ना हो। जी अल्ताफ साहब, एक अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा इंक्रोचमेंट के रिलेटेड ही। जिस तरीके से आपने कहा कि 2009 के बाद अब इंक्रोचमेंट पे काफ़ी रोकथाम लगाई गई है, जी लेकिन जो इंक्रोचमेंट 2009 से पहले हो चुकी हैं, क्या उन पे भी कोई एक्शन किया गया? देखें, कुछ जगहों में हमने इंक्रोचमेंट उठाई, जी मतलब जैसे बत्रा अस्पताल के आसपास लोग आके बैठ गए थे, वहाँ से उठाया। मैं जम्मू की मिसाल ही लेता हूँ, बठिंडी साइड में ऐसा हो रहा था, यहाँ रूपनगर के इलाके में इलाके में ऐसा। हो रहा था। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं, मैं जम्मू की बात नहीं करूँगा, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जहाँ बस्तियाँ बस गई हैं, रोड्स चली गई हैं, स्कूल बन गए हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं। तो इस सारे लोगों को जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट्स हैं उनको निकालना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। हालांकि ये काम करना है और ये फॉरेस्ट की लैंड है, हमारी तो ये कोशिश रहती है कि ये लैंड इनक्रोचमेंट ना हो। इंक्रोचमेंट ना हो और जो लैंड चली गई है वो वापस आए। जी लेकिन इसमें अपोजिशन का साथ ज़रूरी है, मीडिया का साथ ज़रूरी है, सिविल सोसाइटी का, तो तब कोई हुकूमत इतना बड़ा कदम कदम उठा उठा सकती सकती है, है। क्योंकि ये कोई हज़ारों की कनाल में लैंड इंक्रोचमेंट हुई है जम्मू जी कश्मीर में फॉरेस्ट की। हमने 2009 के बाद बड़ी हद तक कोशिश की है कि ना हो। शुपियां का एरिया देख लें आप, वहाँ से भी हमने कुछ लोगों को उठाया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उस मामले में हम कोई पूरी अचीवमेंट नहीं कर सके, क्योंकि
कि हम सब लोगों को जिनके पास फॉरेस्ट की लैंड है या हम उनको निकालते या कुछ करते, ये काफ़ी सरदर्दी वाला मामला है। हमने कोशिश की है लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जिसमें सब लोगों का साथ होना सहयोग चाहिए। जी अल्ताफ़ साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि लकड़ी की जो तस्करी है वो काफ़ी मात्रा में होती है, इस तस्करी को रोकने के लिए और जो इसकी तस्करी करते हैं, जो लोग स्मगलिंग करते हैं, उन पे नकेल कसने के लिए क्या कोई ऐसे एक्ट बनाए गए जिनसे आने वाले समय में उन लोगों को इस चीज़ से डर लगे कि हम ये कोई काम करेंगे तो हमारे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, स्मगलिंग इस वक्त नहीं हो रही, ये मैं आपको कहता हूँ कि 2009 के बाद मैंने आपको कुछ एरियाज़ बताए, लेकिन अब वहाँ नहीं हो रही है। रह गई कानून की, कानून इसके लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बना हुआ है जी, कि जो प्रोफेशनल स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए, पीएसए लगना चाहिए। जी, हमारी ये कोशिश रही है कि लोगों पे ये कानून ना लगे जी, ऐसे हालात ही पैदा ना हो और इतनी सख्त सज़ा ना मिले। लोगों में ने भी उस सिलसिले में हमें कोऑपरेट किया है। कुछ जगहों में स्पेसिफिक डिविजन्स हैं, जैसे शुपैया की मैंने बात की, रफियाबाद की, वहाँ कुछ आदमियों को सेफ्टी एक्ट हमने लगाया, लेकिन अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारे नॉर्मल लॉ थे हमने उनके साथ, उनसे ही उनके साथ निपटा, और आज आप कहते हैं कि इस चीज़ से निजात है। निजात है जी। जी अल्ताफ़ साहब, एक और अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमें रोड कनेक्टिविटी की बात आए तो उसमें कई बार फॉरेस्ट लैंड भी आती है, पेड़ भी आते हैं, तो उस समय किस सिचुएशन से आप गुजर के ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देना ठीक समझते हैं? देखें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल काम है ये, एक तो डेवलपमेंट साइड है, दूसरे फॉरेस्ट को बचाना है जी। हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों को बैलेंस करें, और जहाँ सोशल नीड्स हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ हमें क्लियरेंस करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होती है कि पेड़ कम से कम कटे। अब बनी है, बसोली है, रजौरी, पुंछ, गुल गुलाबगढ़, मोहर, इन इलाकों में सड़कें हैं ही नहीं जी, और PMGSY का जो प्रोग्राम आया है, अगर वो प्रोग्राम ना आता तो ये सड़कें कभी बन भी नहीं सकनी थी। बिल्कुल सही है। अब जब वो प्रोग्राम आया तो हमने भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका पैसा भी मिलता रहा, तो हमने वहाँ इजाज़त दी, तो आपने भी देखा होगा कि पहली बार रोड कनेक्टिविटी वहाँ पर बनी। इसी तरह श्रीनगर जम्मू का जो ये फोर लेनिंग हो रही है, इसमें फॉरेस्ट के एरियाज आ रहे थे, तो हमने वहाँ जहाँ ज़रूरी समझा वहाँ दिया, लेकिन फिर भी आगे से अब इस वक्त हमारी ये कोशिश है कि अब जहाँ रिक्वायरमेंट ना हो वहाँ नहीं मिलनी चाहिए इसकी इजाज़त। जी अल्ताफ़ साहब, एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से पीछे ग्लोबल वार्मिंग और हो रहा था और अभी भी हो रहा है, तो हमारी रियासत में सबसे बड़ी धरोहर है ग्रीनरी की, तो वो कहीं हद तक कम हो रही है, उसको बचाए रखना और उसको आगे बढ़ाना के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या नए कदम उठाए हैं? देखिए, प्लांटेशन बड़ी ज़रूरी है जी, प्लांट्स हम लगाते भी हैं और बरसात में जम्मू में लगाते हैं, पहले कश्मीर में लगाते हैं, हो सकता है जो हम कहते हों उतना फिगर्स ग्राउंड पे ना होता हो, लेकिन फिर भी हमने डिफरेंट एजेंसी से जब उसको चेक किया तो 60-70% ग्राउंड पे ट्रांसलेट होता है जी, लगते हैं। दूसरी ये कोशिश की है कि पिछले 3-4 साल में कि कोई ऐसी इंडस्ट्री ना लगे जिससे यहाँ पोल्यूशन को ख़तरा हो, और अगर कोई ऐसी लगती है तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में लगे और उस इक्विपमेंट्स वैसे उसके साथ लगें। ये दो चीज़ें उस हवाले से मैंने की हैं। अब इसमें कितना इम्प्लीमेंट हुआ है या इसके कितने बेहतर नतायज हैं वो लोग ही जज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी अल्ताफ़ साहब, ये तो रही आपकी जो मिनिस्ट्री है, जो जिसकी कमान को आप संभाले हुए हैं, अब आए जिसकी वजह से आप मिनिस्टर बने हैं, अपनी असेंबली, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो अल्ताफ़ साहब क्या ऐसा कारण है कि वहाँ पे लोग आपको देवता के रूप में पूछते हैं, आपके बारे में बात नहीं सुनते? ये मैं आपको कहीं चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, जो रियलिटी है, मैंने आपके एरिया का दौरा किया और वहाँ देखा कि लोगों के जहन में यही है, मियाँ अल्ताफ़, मियाँ अल्ताफ़, उसका क्या कारण है? देखें, मुकाबला तो सबका है, और आज के ज़माने में मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ ही सब चलते हैं वो मुमकिन नहीं है जी, वो पॉसिबल नहीं है। और पॉलिटिक्स एक बड़ा सख्त सब्जेक्ट हो गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई, अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, और मिनिस्टरों के या मेंबर असेंबलियों के अब वो इख्तियारात नहीं हैं जो आज से 5 साल पहले होते थे, 10 साल पहले होते थे,
काफ़ी मुश्किल है, और उसमें एक रोल आपके मीडिया का भी है कि वो वो भी किस इसे तरीके से वो भी निभाती है। निभाती है। जी तो बिल्कुल, मुश्किलात हमें हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश हम करते हैं कि हमारी जो कॉन्शंसियाँ हैं, जहाँ से मैं इलेक्ट होके आता हूँ, जितनी मुझसे हो सके बेस्ट पॉसिबल मैं वो खिदमत करूँ, और खिदमत करने में भी, काम करने में भी मैं गरीब का, बेकस का, बेसहारा का, उसका ख्याल रखूँ। जी तो मुझे लगता है कि अगर आदमी उस चीज़ का ख्याल रखे, गरीब का, बेकस का, और ये कोशिश करे, सब कुछ तो नहीं हम कह सकते कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, लेकिन काम करते वक्त ये कोशिश करें कि 67% 60% 70% काम मेरिट पे हो, जी बिल्कुल, तो फिर मुझे लगता है कि लोग उस बात को याद रखते हैं। तो जब तक ये करते रहेंगे, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ होता है तो कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मैंने काफ़ी अपनी कॉन्सी में काम किया है, और ये कॉन्सी भी काफ़ी अरसे से, मेरे दादा जो हैं वो 52 में वहाँ से MLA बने थे, जी तो 67 तक वो रहे, फिर 67 से 87 तक मेरे वालिद साहब रहे, तो जी बिल्कुल, 87 के बाद मैं हूँ, तो उन लोगों की वजह से हैं। जी अल्ताफ साहब, एक और अहम सवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है कि आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस चीज़ की कमी है जिसमें आप इमीडिएट सुधार लाना चाहते हैं और आने वाले समय में उसकी जो कटौतियाँ हैं वो पूरी की जाए? देखें, बेरोज़गारी का मसला है, जी बाकी भी कुछ एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं हमें, कहीं हायर सेकेंडरी की कमी है, कहीं बिल्डिंग्स की कमी है, या कुछ जगहों में नए हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है, वो तो चलता रहता है एक सिस्टम साथ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, डिस्ट्रिक्ट हमारा नया गांदरबल बन गया है, उसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो गई हैं। जी जब हम पहले श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ थे तो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होती थी, काफ़ी पोस्टें निकलती थी, बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, तो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ही मैं अपने इलाके में, जो मेरा मेरी कॉन्जेंसी है, वहाँ फ़िक्रमंद हूँ। बाकी लिहाज से तो हम काम करते हैं, करते हैं हालांकि काम भी करते रहते हैं और काम भी निकलते रहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा मसला है जो जी प्रॉब्लम। अल्ताफ साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी रियासत, खासकर कश्मीर, जो कि 20-25 सालों से बिल्कुल मिलिटेंसी से गुजरा, और अगर हम इसी ये मिलिटेंसी ना होती तो मुझे लगता बिल्कुल है कि आज मुल्क में हमारा जो शुमारा है बड़ा ऊपर होता। लेकिन चलें, जो अल्लाह को मंजूर है, इससे बढ़ के तो कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। बिल्कुल लेकिन फिर भी आपने अपनी रियासत को मिलिटेंसी के बाद भी काफ़ी ऊपर तक लाया। जी अल्ताफ साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ, समय की नज़ाकत को जी देखते हुए, जी कि क्या चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर अगर आज मिलिटेंसी ना होती तो ऐसा होता, और हम आज भी अगर अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजता है, अगली बार भी आने वाले इलेक्शंस में भी आपको जिता के मिनिस्ट्री पे लाता है, तो क्या समझते हैं कि क्या विजन है कि आप अपने जम्मू कश्मीर को किस तरीके का देखना चाहते हैं? देखें, जम्मू कश्मीर में सबसे पहली बात तो यही है कि जम्मू कश्मीर में अमन रहना चाहिए, जी और जिसकी उम्मीद भी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, और जितने उनके रिश्तों में बेहतरी आएगी उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। पहली तो यही है कि यहाँ पे हालात ठीक रहें, उसके बाद फिर जम्मू के अपने प्रॉब्लम हैं, कश्मीर वैली के अपने प्रॉब्लम हैं, जी लेकिन जम्मू में जहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है, जम्मू शहर को छोड़ के या जम्मू डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, जम्मू के दूसरे इलाके बड़े बड़ी अभी वहाँ प्रॉब्लम है। आप अगर रजौरी पुंछ में जाएंगे तो आप देखेंगे पानी अभी नहीं है वहाँ, जी बिल्कुल, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं। इसी तरह जम्मू का दूसरा इलाका जो है डोडा एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट को आप देख लीजिए, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ही बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी कोई अच्छी सड़क आपको नहीं मिलेगी, अभी पता नहीं कब रेल जो है वो रजौरी पुंछ पहुंचेगी। तो मेरी तो यही है कि जहाँ कहीं भी, जिस फोरम में भी बैठने का मौका मिलेगा, वहाँ उसको ये कोशिश ज़रूर होगी कि इन ख़ास तौर पे जो ये जम्मू का इलाका है, जिसमें हमारे लोग ज़्यादातर पहाड़ी और गुजर बकरवाल लोग रहते हैं, जी काफ़ी प्रॉब्लम है इनकी, काफ़ी परेशानियाँ हैं इनको, बुनियादी सहूलियात हैं वो आज भी नहीं हैं, तो ये कोशिश होगी कि इन लोगों तक जो कुछ इनका हक है वो इन तक पहुँचे, इनको सहूलियात पहुँचे,
और कश्मीर के हवाले से अगर हालात ठीक रहते हैं तो टूरिज़्म जितना इम्प्रूव होगा, हार्टिकल्चर कश्मीर का जितना इम्प्रूव इम्प्रूव होगा, होगा, उससे हैंडीक्राफ्ट हमारी जितनी डेवलपमेंट होगी। होगी जी लोग। बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कहा अल्ताफ साहब ने कि जिस जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट के रास्ते में आगे आगे चलेंगे तो हमारी रियासत अपने आप ऊपर उठेगी, और वो दिन दूर नहीं है जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को नंबर वन रियासत बनाना पूरे मुल्क में, और उन्होंने ऐसे आला जो लीडरान हैं उनको लाया भी अपनी कैबिनेट में, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी रियासत में हुई है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हमारे दर्शक भी और हमारी जनता भी ये जानती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की लपेट में था, लेकिन आज वहाँ ट्रेन भी जाना शुरू हो गई श्रीनगर तक, कई चीज़ें, कई डेवलपमेंट, कई रोड कनेक्टिविटीज़, हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो हमारी रियासत में इस सरकार के दौरान हुआ, और खासकर जो मिलिटेंसी थी उनके इरादों को उन्होंने नस्ते नाबूद किया सरकार ने, और फिर दोबारा अमन और शांति हमारी रियासत में बहाल की, और वो हुई इसी कारण कि हमारी रियासत में ईमानदार और नेक लीडर्स जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, वो आए, जिसके कारण इस रियासत की डेवलपमेंट दोबारा से शुरू हुई। जी मियाँ अल्ताफ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। दिग्गज नेताओं व आला अधिकारियों से मुलाकात, महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार जानने के लिए देखना न भूलें प्रोग्राम फेस टू फेस हर रविवार रात 9:45 पर सिर्फ और सिर्फ चलती कला टाइम टीवी पर।